नमस्कार दर्शकों, मैं योगेश करीरा आप सभी का एस्ट्रो लाइफ के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के बारे में बातचीत करेंगे वो है राहु रत्न गोमेद की विशेषताएं एवं उसको धारण करने की विधि। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि राहु रत्न धारण करना आपके लिए कब कब उपयोगी हो सकता है। जैसा कि मैं अपने अनुभव से जान पाया हूँ, कई जन्म कुंडलियों के विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच पाया हूं, कई ज्योतिषाचार्यों से विचार विमर्श करने के बाद यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि आप अनावश्यक भ्रम की स्थिति से गुजर रहे हैं, काफी कंफ्यूज्ड हैं, व्यापार व्यवसाय में अनावश्यक रुकावटें आ रही हैं, नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको, यदि आप विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा में आपको रुकावटें आ रही हैं, कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत आ रही है, आपको बेकार के सपने परेशान कर रहे हैं, खासकर सरपेंट से रिलेटेड सांप इत्यादि के सपने यदि आपको काफी परेशान कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि वो सपने आपको क्यों आ रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आप राहु से पीड़ित हैं। यदि राहु अपनी महादशा में आपको परेशान कर रहे हैं, हो सकता है राहु आपके अंतरदशा में चल रहे हों, हो सकता है कहीं ना कहीं राहु आपके प्रत्यंतर दशा में चल रहे हों, तो इस समय आपके लिए राहु रत्न धारण करना, राहु रत्न गोमेद को धारण करना अत्यंत उपयोगी रहेगा। हम इसकी विशेषताओं पर आते हैं। पहले तो राहु रत्न को संस्कृत में हम गोमेदक कहते हैं, हिंदी में इसे हम गोमेद कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं हेसोनाइट गार्नेट। और ये दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो उड़ीसा का हम उसे बोलते हैं जो गोमूत्र के समान होता है, पीले कलर का, हल्के पीले रंग का होता है, लाल कलर की थोड़ी सी लालिमा लिए हुए होता है लाल। और दूसरे प्रकार का आता है जिसको हम बोलते हैं सिलोनी गोमेद, जो कि हम श्रीलंका से इम्पोर्ट करते हैं, वो आपका आता है कोका कोला कलर का, श्याम वर्ण का, जो कि आपके शहद के कलर की झाइयां लिए हुए होता है, वो श्रीलंका का सिलोनी गोमेद होता है, काफी अच्छा गोमेद माना जाता है वो। तो जितना ये गोमेद आपका भारी होगा, चिकना होगा, उतनी ही उत्तम क्वालिटी का माना जाएगा ये। अब गोमेद को धारण कब कर सकते हैं आप? गोमेद को आप धारण कर सकते हैं बुधवार या शनिवार को सनसेट के समय, आप इसको धारण कर सकते हैं 7 बजे के बाद। इसको धारण करने की विधि क्या है गोमेद को? एक तो पहले ये 5 कैरेट से लेके 7 कैरेट के बीच में होना चाहिए आपका गोमेद। इसको आप चांदी में या पंच धातु में धारण करवा के अपने लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में धारण कर सकते हैं। गोमेद रत्न को बनवाकर आप कच्ची लस्सी में गंगा जल में डिप करके राहु का मंत्र, ये मंत्र मैं अभी बोल रहा हूँ, राहु का मंत्र ध्यान दीजिएगा, भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। एक बार दोबारा बोल देता हूँ आपके लिए, भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इसका 108 बार जाप करके कच्ची लस्सी में गंगा जल में जो आपने स्टोन चांदी या पंच धातु में जड़वाया है, उसको आपने बुधवार या शनिवार शाम को 7 बजे राहु मंत्र का 108 बार जाप करके धारण करना है, जो मंत्र मैंने अभी आपके लिए पीछे बोला है। अब इसको जानते हैं कि राहु रत्न को धारण करने से अब आपके क्या क्या जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि राहु रत्न किन राशियों के लिए उपयोगी है और राहु रत्न को धारण करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। राहु रत्न एक तो देखिए वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन लगन वालों के लिए, जिन जातकों के ये राशियों के लगन बनते हैं या जिन जातकों की ये राशियां, उनके लिए राहु रत्न धारण करना अधिक उपयोगी रहेगा। अब हम जानते हैं कि राहु रत्न को धारण करने से आपको क्या क्या लाभ की प्राप्ति हो सकती है। राहु रत्न को धारण करने से आपको देखिए एक तो बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि राहु रिलेटेड है वायरस से। तो यदि आपका दक्षिणायन में जन्म हुआ है, जबकि सूर्य दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिणायन जिसे हम बोलते हैं, तो उस समय अगर यदि आपका जन्म हुआ है राहु की महादशा चल रही है, तो आपको ये ज्यादा पीड़ित कर सकता है, खासकर पेट से संबंधित संक्रमण होने की शिकायत ज्यादा रहती है। तो इसलिए राहु रत्न धारण करने से ये बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि संक्रमण बड़ी जल्दी जल्दी आपको हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो राहु रत्न के धारण करने से
उसमें आपको लाभ मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, वकालत राजपक्ष के क्षेत्र से उन्नति प्राप्त होगी। अनावश्यक चिंताएं पीड़ाएं यदि आपको परेशान कर रही हैं तो उसके लिए रत्न बहुत लाभकारी है। काल सर्प दोष से आप पीड़ित हैं तो भी यह रत्न आपके लिए अति लाभकारी साबित होगा। यदि आप सर्विस में हैं, नौकरी में हैं, तो ये रत्न आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि ये आपके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, आपकी अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है। तो आप यदि बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पा रहे, करेजफुल नहीं हो पा रहे, मतलब करेज से डिसीजंस नहीं ले पा रहे बोल्ड, तो ये रत्न आपको धारण करना अत्यंत लाभकारी रहेगा, आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये थे राहु रत्न गोमेद की विशेषताएं एवं उसको धारण करने की विधि। और भी इसके बारे में अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं एस्ट्रोलाइफ पर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।